भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना यूनिट ने जुमेरात को हैदराबाद में बल्दिया के इंतखाबात के लिए इंतखाबी मंशूर जारी किया है। जीएचएमसी 2020 का मंशूर महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और बिहार के इंतखाबात के इंचार्ज देवेंद्र फडणवीस ने हैदराबाद में जारी किया। इस मौके पर फडणवीस ने खिताब करते हुए ऐलान किया कि अगर जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी का मेयर बनता है तो बीजेपी लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम को ख़त्म कर देगी। फडणवीस ने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस हुकूमत के जरिए लाए गए एलआरएस गरीबों को लूट रहा है। मैनिफेस्टो को रिलीज करने के लिए हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री बंडी संजय कुमार जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय जी किशन रेड्डी जी, श्रीमती डी के अरुणा जी, डॉक्टर के लक्ष्मण जी, श्री विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय मुरलीधर राव जी, श्री एन रामचंद्र राव, श्री पी सुधाकर रेड्डी, श्री विवेक वेंकट स्वामी जी, श्री जी फेस्टो के रिलीज से पहले आज संविधान दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है और हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने भारत को इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जो डेमोक्रेसी दी और हर व्यक्ति को जो स्वातंत्र्य दिया, जो अधिकार दिया, मैं ऐसा मानता हूं कि आज उसी को हम लोग याद करते हैं। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा ग्रंथ भारत का संविधान है, तो उसी दिशा को हम लोग मानते हुए आज फिर एक बार प्रतिज्ञा करते हैं कि भारत के संविधान के अनुरूप ही हम सभी लोग अपना बर्ताव करेंगे और इस संविधान दिवस की आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज एक और दिन है, आज 26/11 है और हम सभी लोग जानते हैं पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई पर जो हमला किया था वो आज का दिवस है। ये केवल मुंबई पर हमला नहीं था, ये आतंकवादियों ने भारत की अस्मिता पर हमला किया था और उसके भी जो मार्टियर्स हैं, जो शहीद है, उनको भी आज हम श्रद्धांजलि देते हैं। और साथ साथ तेलंगाना राज्य की निर्मिति में जिन्होंने शहादत हासिल की, ऐसे सभी शहीदों को याद करते हुए इस बात को हम रिएट्रेट करने की कोशिश करते हैं, प्रतिपादित करने की कोशिश करते हैं कि तेलंगाना राज्य बनाने में भारतीय जनता पार्टी की बहुत अहम भूमिका रही है और भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बहुत लंबी लड़ाई इस राज्य के निर्माण में की है। जहां तक हमारे मैनिफेस्टो का सवाल है, हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन ने आप सभी को बताया, बहुत बड़ा कंसल्टेटिव प्रोसेस इस मैनिफेस्टो को तैयार करते समय किया गया है। यह मैनिफेस्टो लोगों की एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन है। लोग क्या चाहते हैं, लोगों में जाकर लोगों की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को हमने समझा। कई और पार्टियों ने यहां पर अपने मैनिफेस्टो दिए लेकिन महलों में रहकर गरीब, सामान्य और मध्यम वर्गियों के दुख दर्दों को समझा नहीं जा सकता। जब तक उनसे बातचीत नहीं होती, वो क्या चाहते ये नहीं समझा जा सकता। उस बातचीत को करके इस मैनिफेस्टो को तैयार किया गया है। वैसे तो कई चीजें मैनिफेस्टो में है, आप तक मैनिफेस्टो पहुंचेगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि भारत को स्वतंत्रता
15 अगस्त 1947 को मिली, किंतु तेलंगाना, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और कर्नाटक का कुछ पोर्शन यह 17 सितंबर 1948 को यहां पर पहली बार तिरंगा झंडा लहराया और यह हमारे लिए स्वतंत्रता का दिवस है, मुक्ति का दिवस है। और हम लोग अगर देखें तो कर्नाटक में और महाराष्ट्र में हमेशा इस दिन पर तिरंगा झंडा लहराता है, स्टेट फंक्शन होता है और इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में, चूंकि पहली बार हमारा तिरंगा फहराया गया था, मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि तेलंगाना में इसको क्यों नहीं मनाया जाता। और इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में भारत का तिरंगा जो पहली बार 17 सितंबर को फहराया गया उसको एक फंक्शन के रूप में सेलिब्रेट करेगी। और वो पहली लड़ाई तेलंगाना के मुक्ति की और दूसरी लड़ाई जब तेलंगाना बना तो इस पहली लड़ाई को भी बड़े जोर शोर से हम लोग यहां पर सेलिब्रेट करेंगे। इस मैनिफेस्टो के माध्यम से हैदराबाद की जनता को हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन और वैक्सीनेशन की एक स्ट्रेटेजी ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तैयार की है, किंतु हमने हैदराबाद में लगातार यह देखा कि कोरोना के काल में किस प्रकार से आंकड़े सप्रेस किए गए और किस प्रकार से लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भरोसे छोड़ दिया गया, किस प्रकार से उनको 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया खर्चा करना पड़ा और सरकारी तंत्र कहीं पर भी उपलब्ध नहीं था। और इसलिए हम यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन स्ट्रेटेजी में हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करेगा और पूरी सरकारी व्यवस्था, पूरी कॉर्पोरेशन की व्यवस्था खड़ी की जाएगी, पीएचसी के माध्यम से, कॉर्पोरेशन की व्यवस्था के माध्यम से यह कोरोना का टीकाकरण किया जाएगा। किसी को भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर ज्यादा पैसे देकर और कोरोना का टीका, कोरोना का वैक्सीन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसकी पूरी व्यवस्था ये कॉर्पोरेशन के माध्यम से हम लोग यहां पर निश्चित रूप से करेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी तय किया है कि एलआईएस आज 15,000 करोड़ रुपए का बजट एक प्रकार से लोगों के ऊपर डाला जा रहा है। वी विल स्क्रैप दिस एलआईएस। आज केंद्र सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से एक सेक्टोरल अप्रोच लेकर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में जो एक सेक्टर है ऐसे सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए पूरा पैसा देता है। टोटल आज आप देखिए जिन शहरों में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें एक एक सेक्टर के प्रोजेक्ट ये चल रहे हैं जिसमें वहां की जो सारी बेसिक एमिनिटीज है उसको एकदम अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है। वहां के रोड्स हो, ड्रेनेज हो, सीवेज हो, लाइटिंग हो, सारी चीजें। और इसमें हम लोग ये मानते हैं कि लोगों के ऊपर 15,000 करोड़ रुपए का ये जो बोझ है ये नहीं डाला जाना चाहिए और इसलिए हम लोग इसको स्क्रैप करेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको प्लान वे में हम ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करेंगे। इसके साथ साथ हम सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार से इस बारिश में हैदराबाद पूरा डूबा, 25% एरिया को तकरीबन कंप्लीट फ्लड में था और इतना नुकसान हुआ कि लोगों ने सुसाइड किया, आत्महत्या की, उसकी घटनाएं भी हैदराबाद में हमको देखने को मिली। इतना महत्वपूर्ण शहर है लेकिन यह पानी की निकासी के लिए जो ड्रेनेज की व्यवस्था को अपडेट किया जाना चाहिए वो नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात,
इतने बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट, और ये इंक्रोचमेंट केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया हुआ इंक्रोचमेंट, और इसलिए उसको वहीं पर बढ़ने दिया गया। आज जो हैदराबाद डूबा वो बारिश के कारण नहीं डूबा, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नीति के कारण डूबा, जिस नीति ने इन इंक्रोचमेंट्स को प्रोटेक्ट किया गया, वोट बैंक की राजनीति में प्रोटेक्ट किया गया, और उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पर हैदराबाद के नागरिकों को इसका नुकसान सहन करना पड़ा। और इसलिए एक और इसको प्लान वे में इन इंक्रोचमेंट्स को हम निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को बेरोजगार करेंगे, लेकिन जहां पर पानी निकासी की व्यवस्था है तो पानी निकासी की व्यवस्था को ठीक करने के लिए जिनको रिलोकेट करना पड़ेगा उनको रिलोकेट किया जाएगा, और निश्चित रूप से एक प्लान वे में इसका काम किया जाएगा। साथ ही में हम लोगों ने यह भी तय किया है कि यहां पर जिनका नुकसान फ्लड्स में हुआ है उनको डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके अकाउंट में 25,000 रुपए ₹25,000 विल बी क्रेडिटेड थ्रू डीबीटी इन देयर अकाउंट्स, उनको सीधी मदद जो है वो इस मामले में की जाएगी। हम लोग जानते हैं किस प्रकार से यहां पर लोगों को चुनाव से पहले हम आपको 2 रूम का मकान देंगे इस प्रकार से बताया गया, और लोगों को कुछ मॉडल मकान भी दिखाए गए, तो आम आदमी को ये लगा, गरीब को ये लगा कि ऐसा मकान मुझे मिलेगा तो उसने बड़े खुश होकर इनको वोट किया, लेकिन एक भी मकान नहीं मिला, और जानबूझकर प्रधानमंत्री आवास योजना को रोकने का काम किया गया, और उसमें हम लोग ज्यादा अच्छा देंगे इस प्रकार से बताकर किसी को कुछ नहीं मिला। मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, 5 साल में महाराष्ट्र में हम लोगों ने ग्रामीण इलाकों में 10